गाइस, तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो सॉरी इतने दिन के बाद मैं व्लॉग बनाई हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और आप जानते हो कि दीदी के, मेरी अप्पी के व्लॉग में आप लोग देखे होंगे कि डैडी की भी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैं नहीं बना पा रही थी। तो इंशाल्लाह आज से आपको वीडियो डेली मैं अपलोड करते रहूँगी यूट्यूब पर। तो चलिए मैं आज बताती हूँ आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने इधर 5 कांदे ली हूँ 6 कांदे ली हूँ और मैंने इधर 10-12 हरी मिर्ची ली। तो ये मैं कांदे को छील लेती हूँ अच्छे से और ये मिर्ची को मैं अच्छे से बारीक काट लेती हूँ। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये मैं इतने कांदे का इतनी मिर्ची का क्या करूँ, तो मैं चलिए मैं बताती हूँ आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी, क्योंकि गर्मी बहुत है और ज़्यादा हमें मसाले का खाना, तीखा खाना खाने नहीं हो रहा है गर्मी की वजह से। तो इसलिए मैं आज कढ़ी बना रही हूँ, क्योंकि जो कढ़ी रहती है वो दही की रहती है, जो हमारे पेट को ठंडा करती है और हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है गर्मियों के कढ़ी खाना। वैसे मेरे घर में इतना किसी को पसंद नहीं है जितना मेरे को कढ़ी पसंद है। तो चलिए मैं आज आपको वो रेसिपी बताती हूँ, एंड इजी और सिंपल रेसिपी है, जो हम कोपनियाँ बनाते हैं, जो हम लोग कोपनी हैं वो बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं चलिए मैं आपको बता दूँ। तो पहले मैं कांदे को छील लूँगी और इस बार मैं ये कांदे का पकोड़े बनाने वाली, जो कि आप लोग ने मेरे व्लॉग में देखे होंगे मैंने कांदे की भजिया बनाई थी। तो मैं वैसे नहीं, अलग तरीके की बनाने वाली हूँ, क्योंकि कढ़ी में हम लोग भजिया डालेंगे, ये थी जो भी मैंने कांदा ली हूँ। तो चलिए मैं छील के आप लोगों को पहले बता देती हूँ। सो गाइस देखिए मैंने ऐसा छील लिए, अब मैं सब छील के सबको पानी में डाल दूँगी। तो चलिए इसको बीच में से 2 कट करके मैं पानी में डालती हूँ। तो देखिए मैंने बीच में से 2 कट कर लिए, अब मैंने एक हिस्सा पानी में डाली हूँ। पानी में डालने से अक्सर ये होता है कि आप लोग देख सकते हो कि कांदा छीलने के बाद हमारी आग बहुत जलती है, तो उसके लिए आग नहीं जले कांदे की वजह से। तो क्या करिए आप लोग, क्या करिए करिए जब कांदा छीलते हो ना, तो एक छोटी बॉल में लेकर पानी में डाल दीजिए, उसकी वजह से आपकी आग भी नहीं जलेगी और कांदा भी जल्दी जल्दी कटेगा। तो चलिए मैंने ऐसा 2 पीस कर लिए, अब मैं इसको बारीक बारीक काटूंगी। मैंने आपको मेरे व्लॉग में बताई थी कांदे के जो भजिया बनाई थी उसमें हम लोग ने बड़ी बड़ी स्लाइस काटे थे, पर इसमें मैं बारीक बारीक काटूंगी। तो चलिए कैसा काटेंगे मैं बता दूँ। बारीक काटने का है, ये बारीक काटने से ना कढ़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए ऐसे ऐसे करके मैं सब काट लूँगी, तो चलिए बताती हूँ। सो गाइस देखिए मैंने एक एक करके सब कांदे से बारीक काट ली, ये बारीक काटने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दूँगी और नमक डाल के हिला दूँगी, जब तक इसका पानी नहीं छूटेगा हम लोग आधे घंटे के लिए रख देंगे। हल्के रख दिए, मैं इसको आधा घंटे के लिए रखूँगी जब तक इसका पानी ना सूखे। तो चलिए आगे की तैयारी करते हैं। सो गाइस जब तक मैं एक कढ़ाई रखती हूँ और इसमें ऑयल डालती हूँ, जब तक ऑयल गर्म हो जाएगा हमारी भजिए का बैटर भी रेडी हो जाएगा। तो चलिए बताती हूँ। सो गाइस जब तक मैंने एक थाला ले ली, उस पर न्यूज़पेपर रखी, आप सब जानते हो कि न्यूज़पेपर रखने से जो तेल रहता है वो न्यूज़पेपर सूख लेता है, इसलिए मैं रखी हूँ। तो चलिए मैं मैटर बताती हूँ आगे का। तो देख सकते हो मेरा तेल गर्म नहीं हुआ है, यानी मेरा ऑयल गर्म नहीं हुआ है। तो चलिए मैं आगे की रेसिपी बताती हूँ, बैटर हम लोग तैयार कर लेते हैं। तो देखिए कांदे ने पानी छोड़ दिया, यानी हो गया आधा घंटा। अब इसमें हम लोग क्या क्या डालेंगे तो चलिए बताती हूँ। इसमें मैंने ली हूँ 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची, यानी ये थोड़ा 1/2 टेबल स्पून कलर है, 1/2 टेबल स्पून ठीक ही है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, बस इतने ही सामान लूँगी। और उसके बाद मैं लूँगी, मैंने 10-12 हरी मिर्ची ली थी और मैंने कोथमीर पुदीना काट ली, इसको मैं इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छे से हिला दूँगी। तो चलिए बताती हूँ मैं कि मैं सब सामान इसमें डाल लेती हूँ। देख सकते हैं मैंने सब चीज़ डाल दी, अब मैं ये सबको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसमें मैं डालूँगी चने का आटा। तो वो कितना डालूँगी तो चलिए बताती हूँ। गाइस एक कप ली मैंने, अब मैं 1 कप से नाप के चने का आटा डालूँगी। तो चलिए कितना कप लगेगा मैं वो बताती हूँ। तो मैं हमने कप दिखा दी कौन सा कप है, चलिए कितना कप है मैं बताती हूँ। तो गाइस देखिए मैंने 2 कप डाल दी चने का आटा, अगर कम पड़ेगा तो मैं डालूँगी 1/2 कप। तो चलिए मैं इसको हिला देती हूँ, अच्छे से मिक्स कर दूँ। सो गाइस देखिए मैंने माशाल्लाह 2 कप में ही मेरा हो गया चने का आटा। तो इधर देखिए मेरा तेल भी गर्म हो गया, अब मैं एक एक करके ये डाल लूँगी इसमें और फ्राई कर लूँगी। तो चलिए बताती हूँ आपको।
तो गाइस देखिए मैंने छोटे छोटे करके डाले हूँ, ठीक है। जब ये कढ़ी में जाएंगे तो फूल पर बड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा बड़े हो जाएंगे, फिर छोटे 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 करके हम डालेंगे। और देखिए हम लोग ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, लाइट ब्राउन करेंगे। तो देख सकते हो आप, चाहे तो आप इसमें सोडा भी डाल सकते हो, बट मैंने नहीं डाली क्योंकि कढ़ी में जाने के बाद वो खुद इतना सॉफ्ट हो जाएगा। तो चलिए, वैसे भी मैं बिना सोडा डालने के बाद भी मेरा सॉफ्ट ही रहता है, तो चलिए मैं आपको बता दूँगी। सो गाइस देख सकते हो आप, मेरी भजिया हो गई है। तो देखिए कितनी प्यारी दिख रही है, ऐसी छोटी छोटी बनाई हूँ कि जब ये कढ़ी में डालेंगे तो ये खुद फूल जाएंगे। और आपको देखना ये गर्म बहुत है, तो देखिए इतनी सॉफ्ट बनी है, मैंने बिना सोडे के बनाई है, कितनी सॉफ्ट बनी है। तो देखिए इतनी गर्म है। आप लोग प्लीज़ एक बार ट्राई करिए मेरी रेसिपी, अगर नहीं अच्छी लगी तो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि बहुत ही ईजी भी रेसिपी है। और देखिए इतनी सॉफ्ट है, गरम है। तो चलिए मैंने ऐसे ऐसे करके सब फ्राई कर लेना है। सो मैंने सेकंड फ्राई डाल दी थोड़ा थोड़ा करके। जी माशाल्लाह इतनी प्यारी दिख रही है, सब हो गई ऐसी छोटी छोटी। तो चलिए मैं जो मसाला रहता है कढ़ी में जो डालते हैं कढ़ी की रेसिपी, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। सो गाइस उसके लिए मैंने ली हूँ इधर कोथमीर, पुदीना, 10-12 हरी मिर्च, 7-8 लहसुन और एक छोटा अदरक का टुकड़ा। अब ये सबको मैं अच्छे से पीस लूँगी, तो चलिए बताती हूँ। सो गाइस देखिए मैंने इसमें ज़ीरा थोड़ा सी डाली और थोड़ा सी पानी डाल के इसको मैं पीस लूँगी, तो चलिए पीसते हैं। सो गाइस मैंने पीस ली, अब उसके बाद हमें क्या चाहिए चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं एक तपेली रख दी जिसमें कढ़ी बनाने का है। अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दूँगी, तो चलिए डालते हैं। सो गाइस मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दी, अब ऑयल भी गर्म हो गया। अब इसमें मैं दो कढ़िया करी पत्ता डाल दूँगी, 2 डांडी होती जो, और इसको बारीक कर दूँगी। पत्ता हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है। अब जो हमने मसाला पीसा था जिसे ये, अब मैं इसमें डाल दूँगी, तो चलिए डालते हैं। सो गाइस देखिए मैंने डाल दी, अब मैं इसमें डालूँगी सबसे पहले तो इसमें 1 टेबल स्पून हल्दी, देख सकते आप डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, ये सबको मैं मिक्स कर दूँगी अच्छे से। तो चलिए, तो गाइस देखिए मैंने दाल की हिलाई, माशाल्लाह इतना प्यारा कलर दिख रहा है। अब इसके बाद हम लोग लेंगे आधा किलो दही ली हूँ, अब मैं इसको पीस लेती हूँ। इसमें ये कैसे पीसना है तो चलिए मैं बताती हूँ इसमें क्या क्या डालना है। तो गाइस देखिए मैंने दही डाल दी इसमें, अब इसमें मैं क्या क्या डालूँगी, तो इसमें मैं कुछ ज़्यादा नहीं, चने का आटा मैं 3 टेबल स्पून डालूँगी, यानी ये चम्मच से मैं 3 या 4 टेबल स्पून डालूँगी। तो चलिए मैंने डाल दी, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लूँगी। तो गाइस इसका मसाला हम लोग पकने देंगे, जब तक इसका मसाला नहीं पकेगा जो हमने दही और चने का आटा पीसा है तो हम लोग नहीं डाल सकते, जब तक ये मसाला नहीं पकेगा। तो पहले मसाले को अच्छे से हम ढक कर 5 मिनट पकने देते हैं। और तो गाइस देखिए मसाला पका नहीं है अभी भी, तो इसमें मैं डाल दूँगी कोकम। सो आप लोगों को पता है जब तक कोकम नहीं डालेंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा हमारी कढ़ी में। तो ये कोकम मैंने सिर्फ कम ली हूँ क्योंकि ये ओरिजिनल कोकम है, ज़्यादा खट्टा ना कर दे। आप लोग कमेंट्स में बताइए कोकम कहाँ से आता है, कहाँ का है फेमस। तो चलिए मैं इसमें डाल दिया, अब मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाल दूँगी और इसको अच्छे से हिलाऊँगी। गाइस मेरा मसाला इधर हो गया, देखिए माशाल्लाह इतना प्यारा कलर दिख रहा है, सच में इतनी अच्छी खुशबू आ रही ना माशाल्लाह। तो इसमें हम क्या डालेंगे तो चलिए बताते हैं। सो गाइस जो हमने ये पीसा था अब ये मैं इसमें डाल दूँगी, तो चलिए डालते हैं। तो इसमें इसको जल्दी जल्दी हिलाना है। तो गाइस देखिए मैंने डाल दी, और इसमें पानी मैंने डाली नहीं, जो मिक्सर का था उसमें मैं थोड़ा सी पानी डाल के इसको हिला कर इसमें डाली। अब इसको हमें चलाते रहना है, रुकाना नहीं, और बारीक पे पकने देना है क्योंकि वरना ये गाढ़ा हो जाएगा और नीचे अंदर लंस बढ़ जाएंगे, यानी गाढ़ा गाढ़ा जैसा लगेगा। तो इसको मैं अच्छे से हिला कर पकने दूँगी, और कब पानी डालना है मैं आपको बताऊँगी। गाइस देखिए पक गया है अच्छे से, अब इसमें आपको जितना चाहिए उतना पानी डालिए। तो मैं अपने अंदाज से 2 लोटा पानी डालूँगी, तो चलिए बताती हूँ। मैं अपनी फैमिली के हिसाब से डाल रही हूँ, आपको जितना डाले आप डालिए, मैं लजीज खुशबू आ रही है। गाइस मैंने इधर 3 लोटा पानी डाली क्योंकि जब ये पकेगा तो पानी सोख लेगा, ऐसे मेरी मम्मी ने कहा।
तो उसी हिसाब से मैंने पानी डाली। अब मैं इसको अच्छे से पकने दूंगी, जब ये पकेगा तो मैं इसको बारीक करूंगी। अब फास्ट है और इसको हमें हिलाते भी रहना है क्योंकि ये नीचे से गाढ़ा होते रहना। कड़ी उबल रही है माशाल्लाह, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, तो इसको मैं थोड़ा और उबलने के बाद बारीक करके और अच्छे से पकने दूंगी जब तक ये गाढ़ा ना हो। इसके बाद हम भजिया डालेंगे इसके अंदर। तो चलिए इंशाल्लाह आपके साथ पूरी रेसिपी शेयर करूँगी, तो इसको उबलने देते हैं। अच्छा कलर आया है और ये थोड़ी थोड़ी गाढ़ी भी हुई है। अभी इसमें हमें मेन चीज़ बाकी है जो कि मैं बोली थी आपको लास्ट में बताऊँगी, तो चलिए बताती हूँ। पहले मैं कटोरी में 2 टेबल स्पून ऑयल और मैंने एक कड़ी पत्ता ली हूँ, 3-4 हरी मिर्ची, लाल मिर्ची ये नहीं रहे तो टेस्ट नहीं आता, 1/2 टेबल स्पून राई, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा। अब मैं इसको बघार के इसमें डालूँगी जब भी टेस्ट पूरा आएगा। तो चलिए मैं इसको गर्म करने रखती हूँ। तो गाइस देखिए मैंने गैस बंद कर दी कि वो पक गई है और ये तेल रखी इधर, देख तेल गर्म हुई ना उसके बाद मैं सब डालूँगी। देख रहे हो लाल हो रहा है, जब भी लाल होगा हमें थोड़ा सी 1/2 टेबल स्पून से भी कम लाल मिर्ची डालना है, तो तड़के में अच्छा आए। तो गाइस देख सकते हो माशाल्लाह अच्छा कलर आया, अब मैं ये भजिया में डाल लूँगी। तो गाइस देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह कलर है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।